हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हो चैनल रेसलिंग हिंदी न्यूज। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप का एक ट्रिपल थ्रेड मैच हमें देखने के लिए मिलेगा क्राउन ज्वेल के बड़े इवेंट में, जो कि होने वाला है रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे इसी बड़े ट्रिपल थ्रेड मैच के विनर के बारे में और क्या इस बड़े मैच में हमें रोमन रेंज अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को हारते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करें क्राउन ज्वेल के बड़े इवेंट के बारे में, यहाँ पर ट्रिपल थ्रेड मैच कैसे सेट हुआ। तो हेल इन अ सेल के पे पर व्यू के मेन इवेंट में हमें रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच एक बड़ा मैच देखने को मिला, जहां पर बीच में इंटरफेरेंस हुई ब्रॉक लेसनर के और ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंज एंड ब्रॉन स्ट्रोमन दोनों सुपरस्टार को काफी बुरी तरह मारा, जिसके बाद उन्होंने अपने रीमैच क्लॉज को कैश इन कर दिया है और हमें क्राउन ज्वेल के बड़े इवेंट में एक ट्रिपल थ्रेड मैच देखने को मिलेगा, जो कि ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कंफर्म कर दिया है और यह मैच होने वाला रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच। बात कर ले इस मैच के विनर के बारे में, सबसे पहले बात करते हैं बैटिंग ऑर्ड्स के बारे में। तो बैटिंग ऑर्ड्स का यह मानना है कि हमें इस मैच में रिटेन करते हुए नजर आएंगे अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को द बिग डॉग रोमन रेंज। इसके बाद जो बैटिंग ऑर्ड्स का फेवरेबल सुपरस्टार है वो है द मॉन्स्टर अमंग द मैन ब्रॉन स्ट्रोमन, और तीसरे सुपरस्टार है वो है फॉर्मर यूनिवर्सल चैंपियन द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। तो कहीं ना कहीं यहां से बात साफ हो जाती है कि हमें ब्रॉक लेसनर तो इस बड़े मैच में जीते हुए नहीं नजर आने वाले। और बात कर ले रोमन रेंज एंड ब्रॉन स्ट्रोमन के बारे में, और रूमर्स का मानना है कि हमें रेसलमैनिया 35 तक रोमन रेंज के पास यूनिवर्सल चैंपियनशिप देखने के लिए मिलेगी। तो हो सकता है इस बड़े मैच में हमें कोई सुपरस्टार के इंटरफेरेंस देखने के लिए मिले, जैसे कि वो सुपरस्टार हो सकते हैं द डोमिनेटर बॉबी लैशली, क्योंकि रिसेंटली बॉबी लैशली ने अपने एक बड़े इंटरव्यू में कहा था कि वो चाहते हैं कि आने वाले टाइम में ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली के बीच सिंगल्स मैच हो, और हो सकता है वो मैच हमें रेसलमैनिया 35 में दिखाई देगी, क्योंकि जब मैच के बीच में बॉबी लैशली इंटरप्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं ब्रॉक लेसनर उस मैच में हार जाएंगे और रोमन रेंज तुरंत ही उसके पास पेयर दे देंगे ब्रॉक लेसनर को, जिसके हाथ पिनफॉल विक्ट्री से हमें रोमन रेंज अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन करते हुए नजर आएंगे, जिसके बाद हमें आने वाले टाइम में ब्रॉक लेसनर एंड बॉबी लैशली के बीच फ्यूड देखने के लिए मिल सकता है। या भी ये भी हो सकता है कि इस बड़े मैच में हमें ब्रॉक लेसनर एंड ब्रॉन स्ट्रोमन दोनों आपस में लड़ते हुए नजर आएंगे, जिसका फायदा एंड में हमें रोमन रेंज उठाते हुए नजर आएंगे, रोमन रेंज इस बड़े मैच में अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन कर लें, जिसके बाद आने वाले टाइम में हमें ब्रॉक लेसनर एंड ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच फ्यूड दिखाई दे और रेसलमैनिया 35 में हमें दोनों सुपरस्टार्स के बीच एक सिंगल्स मैच दिखाई दे। तो कहीं ना कहीं चांसेस काफी ज्यादा हैं कि रोमन रेंज अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे क्राउन ज्वेल के बड़े इवेंट में, और यहां पर ब्रॉन स्ट्रोमन एंड ब्रॉक लेसनर दोनों ही हारने वाले हैं। बाकी ये थी फिलहाल की अपडेट्स और बैटिंग ऑर्ड्स, देखते बाकी आगे अगर कोई बड़े चेंजेस होते हैं तो उसकी अपडेट भी आपको हमारे चैनल पर जरूर मिल जाएगी। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो जल्दी से कर देना आप इस वीडियो को लाइक, इसके अलावा कमेंट करके आप लोग मुझे बताने कि आप कौन से सुपरस्टार को जीतते देखना चाहोगे क्राउन ज्वेल के इस बड़े ट्रिपल थ्रेड मैच में। और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहें। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।